हमारे देश भारत में सुप्रीम कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट हो गया, 25 हाई कोर्ट है, इसके अलावा ढेर सारे डिस्ट्रिक्ट और अधीनस्थ न्यायालय हैं। तो इन न्यायालयों में 5,08,85,856 केस पेंडिंग है। यह जानकारी 15 दिसंबर को लोकसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी ने दी है। तो 5,08,85,856 केसों पे सुनवाई के लिए अभी बाकी है, जिसमें 61 लाख केस 25 हाई कोर्ट में लंबित है सुनवाई के लिए। अभी उस पर सुनवाई होने वाली है। इसमें हम देखेंगे कि 80,000 जो केस हैं वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। निचली अदालतों में 4 करोड़ से ज़्यादा केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। इनमें क्रिमिनल केस जो निचली अदालतों में हैं उनमें क्रिमिनल केस 3,25,00,000 है, लगभग 71% है, और 1,09,00,000 केस सिविल केस है। तो लगभग क्रिमिनल केस में 71% और सिविल केस में 73% 5 साल से ज़्यादा पुराने केस लंबित पड़े हुए हैं। भारत में जजों की जो संख्या है 26,568 है, सुप्रीम कोर्ट में 34 है, हाई कोर्ट में 1,114 है, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में 25,420 जजे हैं। भारत की 6% आबादी मुकदमेबाजी से परेशान है या मुकदमेबाजी में फंसी हुई है। उत्तर प्रदेश में 1.9 करोड़ केस पेंडिंग है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है, 49,34,034 केस यहाँ पेंडिंग है। सबसे जो पुराना केस है ना, मैं आपको बता देता हूँ, कलकत्ता हाई कोर्ट के रिकॉर्ड में सबसे पुराना जो सिविल केस है 1951 से चल रहा है, 1951 से चल रहा है। अब सबसे पुराना जो क्रिमिनल केस है 1969 से फैसले का इंतजार हो रहा है। तो अच्छा है, मुकदमेबाजी से बचें और थोड़ा सा न्यायपालिका को भी रफ्तार दिखानी होगी, इतना केस पेंडिंग है।